आज का जो हमारा प्लान है 25 और 40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 4 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ, हम देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ 25 फीट की होगी एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट की होगी। फर्स्ट हमने फ्रंट में एक पार्किंग का एरिया प्रोवाइड किया है। इस पार्किंग का जो हमारा साइज होगा वो 14 फीट बाय 6 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 14 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। फिर ये मेन डोर से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर, जिसको हमने हॉल से डिनोट किया है। इस लिविंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इस पोर्शन में हमने हमारा फर्स्ट बेडरूम प्रोवाइड किया है। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा 6 फीट बाय 4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 6 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। फिर हमारा ये जो पैसेज है इसकी जो हमारी विड्थ होगी वो 4 फीट की होगी, 4 फीट हमारा ये पैसेज का विड्थ होगा। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा सेम 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने स्टेयर्स का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी, हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ होगी वो 3 फीट वाइड होगी। स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है उसको हम डाइनिंग पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ फ्रंट में हमने किचन का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा 9 फीट बाय 7 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो भी सेम 10 फीट बाय 10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने हमारा फोर्थ बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फोर्थ बेडरूम के अंदर। फोर्थ बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो भी सेम 10 फीट बाय 10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा सेम 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ बैक साइड में भी हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा 4 फीट बाय 7 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जो हमारा मेन डोर है इसका जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 8 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 1000 स्क्वायर फीट का होगा एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 lakhs के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो 25 और 40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 4 BHK प्लान किया था।